नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फेयर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर फायर कंट्रोल रूम ऑपरेटर की क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कुछ लोग कंट्रोल रूम ऑपरेटर बोलते हैं तो कुछ FCRO बोल देते हैं, एक ही बात है। फायर कंट्रोल रूम ऑपरेटर, कहीं पर EMCR बोला जाता है, एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रूम, ठीक है। तो ये तीनों जो काम होते हैं वो एक ही पर्सन के होते हैं, उसी को कंट्रोल रूम ऑपरेटर बोलते हैं। अब डिपेंड करता है वो किस फील्ड में काम कर रहा है, उसी के हिसाब से वो कंट्रोल रूम हो जाता है। जैसे पुलिस कंट्रोल रूम अलग से होता है, आर्मी कंट्रोल रूम, फायर कंट्रोल रूम। तो हम बात करेंगे आज फायर कंट्रोल रूम या एमरजेंसी मैनेजमेंट कंट्रोल रूम के बारे में। जो एमरजेंसी कंट्रोल रूम में ड्यूटी करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी क्या होती है। मैं इतना खोल के बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जानते हैं, उसको तो पता ही होगा, जो नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको शायद नहीं पता होता, क्योंकि जो वो बुक में देखते हैं खाली वही उनके माइंड में रहता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही वो तीनों चारों नाम बता दिए जो प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो एक स्टेट फायर सर्विस में जो कंट्रोल रूम ऑपरेटर होता है, फायर कंट्रोल रूम ऑपरेटर, उसकी भी यही ड्यूटी होती है। फ़र्क इतना है कि वो एक हर तरह की आपको कंट्रोल करने का प्रोसीजर जानता है। उसमें ज़्यादातर देहात की आग होती है, लेकिन यहाँ पे हम कंपनी एक इंडस्ट्रीज़ की बात करें जो एक इंडिविजुअल प्रयोग किया जा रहा होने को, तो कंपनियों के अंदर से भी टर्नआउट बाहर जाते फायर फाइटिंग के लिए, इसी कोई बात नहीं है, उसमें इसमें भी थोड़ा जिक्र करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ फायर कंट्रोल रूम ऑपरेटर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बंदे की क्या ड्यूटी रहती है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैंने मात्र 5 स्टेप में बताने की कोशिश की है। उस बंदे के, अगर आप फ्रेशर हैं और कंट्रोल रूम की ड्यूटी करने के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपके अंदर ये सब कैपेबिलिटी, ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल एक इंटरव्यूअर के लिए, एक इंटरव्यू देने जा रहा है बंदा, उसी के लिए बना रहा हूँ, कमेंट पे और जो जा रहा है उनको पता भी होगा, ठीक है। तो जब आप कहीं पर भी फायर कंट्रोल रूम का इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी है फायर पैनल एंड PA सिस्टम ऑपरेशन। जो फायर पैनल है उसका ऑपरेशन आपको प्रॉपरली आना चाहिए, और PA सिस्टम जो अनाउंस, ये जो PA सिस्टम कोई बोलता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कोई तो कोई पब्लिक अनाउंस सिस्टम बोलते हैं, इसमें पता ही है सबको होता क्या है, ठीक है। जो फायर लाइन में जा रहा है तो उसको पता ही है, अनाउंसमेंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इन दोनों का ही ऑपरेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद करते हैं कम्युनिकेशन स्किल विद फायर टीम जूनियर एंड सीनियर, लिखा है मैंने यहाँ पे जूनियर एंड सीनियर, यानी बंदे का कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए एक, क्योंकि उस बंदे के पास छोटे से छोटे लेवल का और बड़े से बड़े लेवल का बंदा वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन आ सकता है उससे, क्योंकि फायरमैन जो लोग जो काम कर रहे हैं वो जॉब लिखवाने आएंगे, सुपरवाइजर्स आएंगे, सीनियर आएंगे, और जो HR मैनेजमेंट होगा उसका भी बंदा अगर कोई आएगा तो आपके सीनियर के साथ वहाँ पे आ सकता है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल एकदम गुड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फास्ट हैंड राइटिंग स्पीड। आपकी हैंड राइटिंग स्पीड जो होती है वो एकदम फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि सभी को पता है जब कहीं पे इमरजेंसी होती है तो सामने वाला हड़बड़ाया होता है और उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता, वो तो कम टाइम में ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा। तो सेम वहीं पे अगर वो कम बोलने टाइम में ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है तो आपको भी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं टर्नआउट डिप्लॉयड। अगर आपके पास कोई भी फायर या इमरजेंसी की कॉल आती है तो आपको टर्नआउट कैसे निकाला जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए,
वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो हर कंपनियों का अलग अलग होता है। कोई बोलता है कि छोटा सा भी डायरेक्टर है तो टर्नआउट निकालो, तो कोई बोलता है डायरेक्टर ऑपरेट हुआ है, कोई भी एक बंदा गया और जा करके चेक करके आ गया, तो किसी का कहना है कि अगर बिल्डिंग एरिया में है तो मात्र एक टर्नआउट जाएगा, तो कोई बोलता है बड़ी यूनिट में गया है तो दोनों टर्नआउट जाएंगे। तो जहाँ पे आप जाओगे, जिस कंपनी में जाओगे, वहाँ पे आप उनसे पूछोगे वो ऑटोमेटिकली आपको बता भी देगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम टर्नआउट निकाल रहे हैं तो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सामने वाले से लेनी है और कौन कौन सी हमें अपने टर्नआउट को देनी है, किस तरह से देना है, उसके बारे में और गहराई से बात करेंगे आगे चल के। उसके बाद आता है जॉब रिपोर्ट एंड मैन पावर स्टेटस। जितने भी बंदे वहाँ पे फायरमैन या सुपरवाइजर ड्राइवर जो भी काम कर रहा होगा, उसका काम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम तो वहाँ के जो सुपरवाइजर्स या ऑफिसर्स होते हैं वही करते हैं, आपका नहीं होता है। आपको तो खाली वो सब नोट करना है और जितनी भी मैन पावर आपके पास है उसका स्टेटस आपको आते ही ले लेना है और वो ले करके अपने सीनियर को फॉरवर्ड करना है, जो आपका ऑफिसर या इंजीनियर होगा उसको फॉरवर्ड करना है। अब जब वो लोग काम कर रहे होंगे, काम करने के लिए जाते हैं प्लांट के अंदर, तो आपके पास उसका डाटा होना चाहिए कि कौन सा बंदा मैंने कहाँ भेजा है। तो आपके उसके बाद आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और किस जॉब के लिए गया है, यानी वो हाइड्रेंट का काम करने गया है या एक्सटिंग्यूशर मंथली करने गया और किस एरिया में गया है, उसका प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। उससे क्या होता है, जब आपको पता होगा तो आप टर्नआउट निकालने में आपको आसानी होगी। मान लिया किसी भी एक टर्नआउट, कोई कहीं पे लोकेशन का मैसेज आया कि वहाँ पे आग लगी है, तो आपके माइंड में एक बात आएगी, डायरेक्टली आपके माइंड में ये आएगा कि उस लोकेशन के पास में फलाना टर्नआउट है, तो आप उसको कॉल करोगे और कम टाइम में ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और उसके बाद ये भी है कि आपका सीनियर आकर के आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन सा टर्नआउट कहाँ पे लगा है, क्योंकि हो सकता है आपने वो लोग काम पे चले गए और उसके बाद सीनियर ने अपना जो है जो वो चेंज कर दिया है, जो प्लान चेंज कर दिया है, तो वह बुलाने की कोशिश करेगा। या हो सकता है जिस लोकेशन में आप जा रहे हैं फायरमैन काम करने जा रहे हैं, हो सकता है हमारे सीनियर को वहीं पे काम हो, तो वो उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता हो, तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो रिपोर्ट, इसमें क्या होता है, जब बंदा काम करके वहाँ से आ जाता है वापिस, आपने काम पे भेजा, अब वो पूरा काम कंप्लीट करके आ गया है, आने के बाद आपको पूरा जॉब का डाटा हर बंदे से, हर टर्नआउट से ले लेना है और उसको रिटर्न करके अपने सीनियर को फॉरवर्ड करना है। अब मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है स्पेशली इन्फॉर्मेशन ऑफ एमरजेंसी कॉल। अब यही है सबसे मेन मुद्दा। अब यहाँ पे अगर आप फायर कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे हैं तो ये चीज़ आप पूरा फोकस कर लीजिए। अब बात आती है इन्फॉर्मेशन कॉल की, इमरजेंसी कॉल की। अगर आपके पास इंडस्ट्रीज के अंदर कहीं पे फायर हुई है या कोई डायरेक्टर ऑपरेट हुआ है या एमसीपी ऑपरेट हुई है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपको क्या करना है, अगर कोई एक डायरेक्टर ऑपरेट हुआ है तो आप पहले अपने सुपरवाइजर को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे छोटा कोई इश्यूज है तो वो जाकर के चेक कर लेगा, और आपसे ज़्यादा सुपरवाइजर को या आपके सीनियर को वहाँ का पता है कि वहाँ पे किस तरह का क्या हजार से। एक बार आप अपने सीनियर को ये चीज़ ज़रूर बताएं। उसके बाद आता है अगर एमसीपी अगर पुल होती है या ब्रेक होती तो क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, सभी को पता है इमरजेंसी ब्रेक होती है तो वो अपने आप नहीं होती, वो इमरजेंसी के दौरान कोई उसको ब्रेक करता है या पुल करता है, तो उस पोजीशन में आपको डायरेक्टली
बेल बजा देनी है अगर वहाँ पे बेल अवेलेबल है तो। तो कहीं पे होटल होता है, अगर ये चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है तो वो बजा देनी है, उससे क्या होगा वहाँ का जो स्टाफ है वो अलर्ट हो जाएगा और आपके पास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक ही टाइम में आप 50 लोगों को या 10 लोगों को या 5 लोगों को एक ही साथ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। आप अपनी टीम को एक बेल बजाने से पूरी को ही अलर्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको वो जो लोकेशन है वो प्रॉपर लोकेशन अपने टर्नआउट को बताना है। अगर एमसीपी टूटी है तो बताना है प्रॉपरली, अगर उसमें ईस्ट साइड वेस्ट साइड ये सब है या प्रॉपर लोकेशन के हिसाब, जिस हिसाब से उसमें बताया गया है। कहीं पे होता है कि कोई एक स्पेशल मान लिया कंप्रेसर हाउस है या कोई स्पेशल रूम है वहाँ पे, उसके नाम से उस एमसीपी को वहाँ पे एड्रेस किया गया है तो वही बताएं, या वहाँ पे अगर ईस्ट वेस्ट करके लिखा हुआ है तो बताइए, अगर ईस्ट में आया तो कि ईस्ट साइड में फलानी एमसीपी ब्रेक हुई है और इस यूनिट में हुई है, इस प्लांट में हुई है, आप जा करके वहाँ पे रिस्पॉन्स कीजिए। यह आपने पहले अपने टर्नआउट को बता देना है और फिर आप ये साथ में ये भी पूछना कि टर्नआउट आपको क्लियर लोकेशन हुई या नहीं, जो मैंने आपको मैसेज दिया है वो आपको रिसीव हुआ कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लिया आपने बता दिया स्पीड में भाई फलानी जगह पे एमसीपी ब्रेक हुई है, आप जा करके चेक कीजिए, इतना करके आप दूसरे काम में बिजी हो गए, अपने सीनियर को बात बताने के लिए या पैनल को चेक करने लग गए, अब क्या पता आपके टर्नआउट ने उस बात को सुना है या नहीं। तो कोशिश कीजिए आप टर्नआउट को 2 से 3 बार पूछो, भाई लोकेशन क्लियर हुई, मेरा मैसेज क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, 2-3 बार पूछो, कोई आपको ये नहीं बोलेगा क्यों माथा खराब कर रहे हैं। उससे आपकी कैपेबिलिटी, आपकी खूबी वहां पे दर्ज होती है, ठीक है। अब आता है कि बंदा वहां से निकल गया, अब उसके निकलने के बाद जो प्रोसीजर होता है कि भी सिक्योरिटी को इन्फॉर्मेशन दो या अपने सीनियर फायर सुपरवाइजर ऑफिसर्स को दो, सबसे पहले आपको टर्नआउट को देनी है, उसके बाद सुपरवाइजर ऑफिसर्स आते हैं, उनके बाद उसको बताना है, ठीक है। अब आपने टर्नआउट निकाल दिया, टर्नआउट के बाद अगर 2-4-5 मिनट हो जाती है और आप के जो टर्नआउट है उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि हम पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, तो उसको दोबारा पूछो कि टर्नआउट आप कहाँ पे पहुँचे, क्या आप लोकेशन पे पहुँच गए हैं, क्या आपको वहाँ की सिचुएशन का पता लग गया है, तो वो आपको बताएगा फिर, ठीक है। क्योंकि हो सकता है टर्नआउट वहाँ पे जा करके बिजी हो गया है और आग बहुत बड़ी है, वो एक अल्ला टर्नआउट नहीं समझा संभाल पा रहा है, तो वैसे तो सामने वाला टर्नआउट ही बता देगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि बंदा अपने आप ही बिजी हो जाता है, वो देख ही नहीं पाता, वो सब माइंड में आता ही नहीं, तो आप उसको दोबारा पूछिए। और जब बंदा पहुंच जाता है वैसे तो टर्नआउट ही बता देगा कि भाई मैं पहुंच गया हूं और ये सब मैंने यहां पे देखा है, मैं फलाने से मिला हूं, ठीक है। तो अब जब वो काम पे लग गए ना, तो उसके बाद वहां से वहां पे आपका सीनियर पहुंच जाता है, वहां का जो भी साइड इंचार्ज या जो वहां का कर्ता धरता रहेगा, बोले तो HOD जो रहेगा यूनिट का और फायर ऑफिसर जो रहेगा, वो दोनों मिल करके उसको ये डिक्लेयर करते हैं कि वो कौन से लेवल में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है या थर्ड में है, ठीक है। और वही आपको ये बताएगा कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी है या नहीं। उसके अलावा ये नहीं कि आपका ऑफिसर या आपका फायरमैन ही बताएगा, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब आपने टर्नआउट निकाल दिया तो आपके हाथ में पेन और नोटबुक होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको उधर से मिल सकती है। आपको जब सामने वाला आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई यहाँ पे कैजुअलिटी मिली है, तो आपको वहाँ पे नोट कर लेना है कि इतने बजे एक कैजुअलिटी मिली है और इस आदमी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर उसके बाद दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन आता है इसी तरह का, आग बढ़ने का या दूसरे यूनिट में जाने का या ऑल क्लियर डिक्लेयर करने का या एमरजेंसी लेवल डिक्लेयर करने का, जो भी आपको मैसेज मिलता है वो टाइम टू टाइम आपको नोट करते रहना है कि इतने बजे मिला है। और बाद में आपको जब
वो इमरजेंसी पूरी क्लियर हो जाएगी तो आपको मैसेज दिया जाएगा कि ऑल क्लियर का, कि ऑल क्लियर हो गया है। उस पोजीशन में आपको कहीं पे सायरन बजाया जाता है, तो कहीं पे पीए सिस्टम का प्रयोग करके सभी लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, सभी लोग आप अपने काम पे लग सकते हैं। उसके बाद आपका टर्नआउट वहाँ से निकलेगा और वो भी आपको बता के निकलेगा। वहाँ से आने के बाद टर्नआउट को बुला करके पूछना है क्या कुछ देखा, क्या कुछ हुआ, और फिर उनके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट आप मैच करें तो बेटर हो गया। मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ, वह तो सुपरवाइजर, तो ये काम सुपरवाइजर का होता है कि वहाँ से उसको कहाँ पे भेजना कहाँ नहीं। अगर पॉसिबल हो तो कोशिश कीजिएगा टर्नआउट को वहाँ पे बुलाइए और अपनी रिपोर्ट से मैच कराइए वहाँ पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। हो सकता है कोई रिपोर्ट रह गई और आपने कंप्यूटर पे टाइप करके रिटर्न में टाइप करके भेज दिया और बाद में इशू बन गया, ठीक है। जो आपने लिखा है वो बाद में रिपोर्ट बना करके, अगर ये पूरी मॉक ड्रिल थी तो मॉक ड्रिल लिख देना है, अगर ये पूरी फायर या इमरजेंसी थी, चाहे अब बात करते हैं कि ये तो फायर हो गया, इसके अलावा हो सकता है वहाँ पे बंदा किसी को करंट लगा है, कोई स्नैक बीटिंग है, ये कोई बंदा काम करते टाइम हाइट से गिर गया है, कोई बेहोश हो गया है, किसी प्रकार का भी इसी तरह का कोई गैस लीकेज हो गई है, तो ये जितने भी सिचुएशन है, जितने भी कंडीशंस है, ये सारी इमरजेंसी के दौरान आती है और उस पोजीशन में आपको मैसेज मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये सब आपने किया लेकिन एक और चीज आती है कि ना तो डायरेक्टर ऑपरेट हुआ और ना ही एमसीपी। अब किसी ने आपके पास कॉल किया है कि सर यहां पे आग लगी है, तो आपको क्या करना, देखो सामने वाला ना वो डरा हुआ भी हो सकता है, घबराया हुआ हो सकता है, आपका बात करने का लहजा इस तरह होना चाहिए कि बंदे को शांति भी मिले, अंदर से उसका मन हल्का हो, वो घबराए ना, इस तरह से आपके बात करने का लहजा होना चाहिए। फिर आपको उससे पूछना है कि भाई आपका नाम क्या है, आप कौन सी लोकेशन से बोल रहे हैं, वहाँ पे क्या हुआ है, आग लगी है या कोई दूसरी इमरजेंसी है, और कौन सी लोकेशन है, प्रॉपर लोकेशन उसके बारे में आपको नोट कर लेना है, बंदे का नाम, यूनिट और किस चीज़ में आग लगी है। यूनिट बोले तो स्थान, जगह का नाम, ये तीन चीज़ें क्लियर कर लेनी है और नोट कर लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद फिर अगर आपको हो सकता है सुनने में प्रॉब्लम, दोबारा फिर पूछो, नो प्रॉब्लम, एक बार फिर पूछ ले, 10 सेकंड 5 सेकंड ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगनी, लेकिन अगर हो सकता जल्दीबाजी में आपने कुछ लिख दिया, या कुछ जगह ऐसी होती है कि एक ही नाम से मिलती जुलती 2-3 यूनिट होती है तो आदमी कन्फ्यूज हो जाता है, भेजना कहीं होता भेज के यहाँ दिया जाता है टर्नआउट को, फिर वहाँ पे देर से पहुँचते हैं और वो सब, जब देर से पहुँचेगा तो सिचुएशन और बहुत बड़ी हो चुकी होगी, अदर डिपार्टमेंट आपके सर पर चढ़ जाएंगे सभी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए दोबारा उसको रिपीट कराए और दोबारा उसको नोट डाउन करो। अब सारा ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको उसकी रिपोर्ट बनानी है और नोट डाउन करके अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर देनी है। अब वो हर जगह का अपना रूल होता, कोई ड्यूटी ऑफ होने से 15 मिनट पहले मांगता, कोई आधा घंटा पहले, कोई 1 घंटा पहले, सबका अलग अलग होता, वो तो आप अपनी लोकेशन पे जाओगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा और एडिशनल बताऊंगा मैं, इसके अलावा और कौन सी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है तो वेरी गुड से भी वेरी गुड, ऊपर वाला गुड है, कोशिश कीजिए कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको कंप्यूटर में एक्सेल तो आना ही चाहिए, एक्सेल और पावर पॉइंट, एमएस वर्ड तो लगभग सभी कर लेते हैं, एक्सेल और पावर पॉइंट की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेल में रिपोर्ट बनानी होती है और पावर पॉइंट में बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जो सीनियर होते हैं ना वो बोलते हैं कि जो ये फायर हुई थी इसका डिटेल मेरे को पीपीटी में चाहिए, तो उसमें
कई जगह पे फोटो भी अटैच करके भेजने होते हैं कि जब शुरुआत में आग लगी तो वैसी थी, जब हमारे बंदे बुझा रहे तो इस तरह बुझा रहे थे, बाद में जलने के बाद उसका ढांचा इस तरह हो गया। तो इस तरह के कई जगह पे ऐसा आता है। एक बार मैं भी खुद गया था तो वहाँ पे पीपीटी में ही जो जाती थी। तो इन दोनों का नॉलेज अगर आपको है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं, कुछ लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो डियर, क्वालिफिकेशन का तो हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है। कोई बोलता है कि नहीं मेरे को तो बीएससी होल्डर चाहिए, कोई बोलता है कि 12वीं साइंस से होना चाहिए, तो कोई बोलता है कि 12वीं पास प्लस 1 ईयर डिप्लोमा और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये सब का अलग अलग होता है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है, 1 ईयर डिप्लोमा है, 6 मंथ भी है तो चलेगा। 12वीं पास है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है और 6 मंथ डिप्लोमा है और आपको ये सब चीज़ की जानकारी है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा एक दो ये होता है कि थोड़ा ही एक्स्ट्रा थोड़ा ही पूछिए, क्योंकि आपसे जो काम कराना ना बंदा वही पूछेगा, ज़्यादातर उसी पे फोकस होता है। वो बात अलग है, कोई पूछ ले, कोई थोड़ा बहुत मेंटेनेंस पूछ लेता है तो इसके बारे में, अगर मेंटेनेंस का अगर आप कुछ प्रॉपरली नहीं भी बता पाते तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये जितना मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।